वहीं बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर की दुकान खोल दी है और सीएम विधायकों से कह रहे हैं कि तबादलों में खूब कमाओ और वोट दो। जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को बंजर जमीन समझ रखा है। चुनाव लोकतंत्र के अनुरूप ही होने चाहिए, लेकिन राजस्थान को बंजर भूमि समझकर, बाहर के लोगों को आयातित कर, यहाँ के योग्य कार्यकर्ताओं को, अच्छे नेताओं को, उनको दरकिनार करते हुए यदि कांग्रेस इस तरह का नाटक करती है तो जनता उसका जवाब देगी। कांग्रेस की आदत है बाड़ाबंदी करने की। इस 3.5 साल के शासन में अनेक बार बाड़ाबंदी कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि 5-स्टार होटलों में बाड़ाबंदी करके ऐश आराम करवाना MLAs को, अभी ट्रांसफर की दुकान खोल दी, खूब कमाओ और वोट दो, यही भाव है इनका। कांग्रेस हमेशा झूठ पर राज कर रही है, भारत सरकार की योजनाओं को अपने नाम से प्रचारित करके लाभ लेना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है और सेवा और सुशासन की कल्पना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की है और वो जन जन तक पहुंच चुकी है और हम पहुंचाने के लिए कटिबद्ध। और करेंगे अगली खबर का। मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में पार्टी के सांसद अपने इलाके में केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 8 साल के अपने शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने धारा 370 और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे कई बड़े काम किए हैं। मोदी के 8 साल के काम को लेकर हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने सांसद जसकौर मीणा से बातचीत की। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो लोकसभा सांसद हैं वो अपने क्षेत्रों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं और उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। हमारे साथ दौसा सांसद जसकौर मीणा जी हैं। मैडम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या सरकार की उपलब्धियां हैं 8 साल में जो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं और आगामी जो समय बचा उसमें क्या प्लान है? 8 साल बेमिसाल, भारत की आज़ाद भारत के अंदर आज़ादी के बाद ये 8 वर्ष एक ऐसे नेतृत्व ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री गांव गरीब की, हर इंसान की, देश की सुरक्षा की और अन्य अन्य कई कार्यों में आज देश का सम्मान बढ़ाया, देश में और विदेश में दोनों तरफ सम्मान बढ़ाया। और मैं कार्यों की बात गिनाऊं तो आप 8 वर्ष के अनेक कार्य हैं, लेकिन प्रमुख कार्यों को देखें तो देश को अखंड भारत का निर्माण करने में धारा 370 हटाई और इसके साथ ही सम्मानजनक महिलाओं को सम्मान देने के लिए 3 तलाक का कानून पास किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विदेशों में रहे हुए जो अल्पसंख्यक थे उन सभी को शरणार्थी की जीवन जीना पड़ रहा था, उनके लिए CAA का कानून बनाकर नागरिक कानून संहिता का जो दर्जा दिया और उनको भारत का एक सम्मानजनक पद दिया नागरिक बनने का, ये बहुत बड़ा काम है। और आज भी मैं देखूं कि विकास के क्षेत्र में देखें तो हम सागरमाला कार्यक्रम देखो या कनेक्टिविटी में, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, भारत सरकार ने जो कीर्ति स्थापित की, दौसा की जनता तो इसको आँखों से देख रही है। और मैं सोचती हूँ कि आप सभी मीडिया बंधुजन भी इस बात को देखें कि आज 31 तारीख को 11वीं किस्त 30 सेकंड के अंदर हमारे पूरे देश के अंदर 21,000 करोड़ की किस्त जिस तरह से गई, क्या कभी इस तरह से सीधा पैसा पहुंचा? ये 8 वर्ष के इस क्रियाकलाप को यदि देखें तो ये स्वर्णिम युग है और मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, सम्मानजनक प्रगति। मैडम, दौसा की बात करें तो दौसा के लिए क्या आप सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हो 8 साल में और जो समय बचा है उसमें क्या आपका प्रयास रहेगा? दौसा के लिए मैं आपको क्या बताऊं? आपको मैं कहना चाहती हूं कि व्यवसायिक क्षेत्र में भले ही हमारा सिकंदरा का पत्थर का तरस काम हो, उसको यदि मार्केट मिलना है, उसको यदि अन्य जगहों पर पहुंचाना है तो उसके लिए भी काम हुआ है। और इसके अलावा दौसा के लिए जो ये रोड निकला है दिल्ली बॉम्बे का, और इसमें आप भंडारेज के काम को देखो, आप डूंगरपुर में देखो, आप उससे आगे लालसोट विधानसभा में जब देखेंगे तो जिस तरह की कनेक्टिविटी बनी है, सरल, सुगम और व्यवसायिक दृष्टि से ये बहुत ही कीर्तिमान काम है। दौसा पूरा का पूरा जिला इससे लाभान्वित होगा।